जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो राजस्थान गवर्नमेंट ने RTE के फॉर्म निकालने हो, कैसे आप जो आवेदन कर पाएंगे, इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्या है, एंट्रेंस एग्जाम बेस पर आपका एडमिशन होगा। 29 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं पे योजना की जानकारी की, तो बात यह योजना आखिर क्या है। तो ऐसा योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार दुर्लभ और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों को 1 से 8 तक प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ने का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। इस सरकार के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों को दे रही है। यानी अगर किसी प्राइवेट स्कूल 100 सीटें हैं तो 25 सीटें दुर्लभ और असुविधाग्रस्त लोगों के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पे किस किस को लाभ मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार दुर्लभ और असुविधाग्रस्त होना चाहिए। दुर्लभ परिवार ऐसा परिवार जिसकी आर्थिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और असुविधाग्रस्त परिवार जो कि जो ऐसा परिवार जो SC ST OBC हो जिसकी आय 2.5 लाख से कम हो, BPL परिवार, युद्ध विधवा, आपका जो है परिवार के अनाथ बालक, इसके अलावा HIV या कैंसर से पीड़ित परिवार असुविधाग्रस्त जो है परिवार के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपको चाहिए। निवास के संबंध में दस्तावेज, मूल निवास और राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, इनमें से एक प्रूफ होना चाहिए, कोई भी एक प्रूफ। उसके बाद बात करें बालक के आयु संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट, आंगनवाड़ी के दस्तावेज, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा असुविधाग्रस्त परिवार से संबंधित दस्तावेज जैसे SC ST 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें कैसे जो आप फॉर्म भर पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर छात्र ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर क्या है छात्र ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर आपको क्या है सबसे पहले आवेदन ऑनलाइन के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे कर लेना है। उसके बाद दिखाई देगा आपका प्रवेशार्थ की जाति, तो आपको जाति यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो वो जाति जो है आपको लगानी होगी। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर क्या है डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका परिवार की आय कितनी है, तो वो आपको लगानी होगी। लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका अनाथ स्थिति, अगर बच्चा अनाथ है तो हाँ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। क्या बालक अथवा बालक के माता पिता संरक्षक कैंसर HIV के अब जो है से प्रभावित है, तो यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नहीं कर देना है। क्या बालक की माता युद्ध विधवा है, अगर विधवा है तो यस करेंगे, हाँ करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका जेंडर चूज करें, लिंग आपका कौन सा है, महिला है या पुरुष है, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे पूछा है विकलांगता है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। BPL कार्ड है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। ये सारी चीजें जो है आपको कर देनी है। यहाँ पे पात्रता जांचेंगे, अगर पात्रता में आपके द्वारा दी गई जानकारी IIT एडमिशन के लिए पात्र है कृपया ईमेल बटन पर क्लिक करके बॉक्स बंद करें। तो यहाँ पे क्या देखिए आपका जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्टूडेंट का नेम डालना है, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम डालें जो आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है। यहाँ पे आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं, आधार कार्ड पंजीयन नंबर से, तो आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। वही आपको पूछा है पिता का नाम, तो आपको इंग्लिश में ही भरना होगा एंड यहाँ पे पिताजी का आधार कार्ड नंबर। वही माता का नाम एंड माता का आधार कार्ड नंबर। वही आपका पूछा है संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे क्या है संरक्षक मतलब आपका जो है आप किसके अंडर में रह रहे हैं। आप अपने पिताजी अगर जिन्ने हैं तो आप पिताजी का डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपका जन आधार नंबर, तो आपका यहाँ पर जन आधार नंबर है वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत पहचान संख्या डालनी होगी। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपका स्वयं का मोबाइल नंबर डालें, यही मोबाइल नंबर संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या पिता या माता किसी का मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी
डाल देनी है। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको जिला, तो आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका कौन सा जिला है वो आपको डालना है। इसका ये है कि राजस्थान वाले आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एवं यहाँ पर आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा, आपका ब्लॉक कौन सा है वो आपको डालना होगा। यहाँ पर पूछता है ग्राम पंचायत कौन सी है, तो ग्राम पंचायत आपको डालनी होगी। यही आपको पूछता है वार्ड एंड ग्राम, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। सर पिताजी एंड माताजी का आपका पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। वही फोटोग्राफ की बात करें तो आपका अधिकतम 10 से 20 के बीच में फोटोग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछता है तहसील द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं बच्चे का, या राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, अभिभावक बालक बालिका का निवासी संबंधी प्रमाण पत्र को जिसमें ग्राम वार्ड के उल्लेख हो। तो क्या है, यहाँ पे आपका जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभिभावक का लगा सकते हैं, और नॉर्मली तो अभिभावक का ही कोई भी एक प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। नॉर्मली आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। बालक बालिका की आयु में संबंधी प्रमाण पत्र, तो बच्चे का आपका यहाँ पर आधार कार्ड है, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो आपका यह अस्पताल सहायक नर्स और दाई ENM द्वारा रजिस्टर या अभिलेख है, आंगनबाड़ी अभिलेख है, कोई भी आप अपना लगा सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड अवेलेबल नहीं होता है बाई चांस, तो उसमें ये आप अपना लगा पाएंगे। वही आपको यहाँ पर पूछता है बालक बालिका के दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको साइज बता दूं, PDF का जो अधिकतम साइज है वो 300 KB से नीचे होना चाहिए, तभी आप जो है अपलोड कर पाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको जो भी करना है, आपके पास जो भी प्रूफ है, वो आपका 300 KB से नीचे PDF में होना चाहिए। यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड कर देने, एंड कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे पूछता है पात्रता में बदलाव के लिए वापस जाएं, अन्यथा आपको क्या आवेदन पत्र डाटा को सेव करें। तो आपको क्या है, आवेदन पत्र डाटा अगर सही है तो सेव कर सकते हैं, गलत है तो पात्रता में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी यहाँ पे बदलाव करना है तो बदलाव कर ले, पात्रता में बदलाव करना है तो पात्रता में बदलाव कर सकते हैं। डाटा सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये उसके बाद यहाँ पे क्या, आपको फॉर्म चेक करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट जो है कर लेना है। फॉर्म फाइनल प्रिंट हो जाएगा, आपको फॉर्म संभाल के रखना है। आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद ही आप अपना जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में ही आपकी मेरिट जो है लगाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।